वहीं जनपद संभल में महिलाओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल की डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई है। नारी शक्ति में ने मां चामुंडा मंदिर के मुख्य गेट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों के लिए कठोर दंड की मांग करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखे हैं। महिलाओं ने कहा कि प्रदर्शन के लिए देवी का स्थान चुनने का मुख्य उद्देश्य है। पहले जगत के सभी कार्य सकारात्मक ऊर्जा द्वारा ही फलीभूत होते हैं। हमें आशा है कि सरकार हमारी आवाज को सुनेगी। पीएमओ को हम लोगों ने सब यहाँ महिला शक्ति ने संभल की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की टीमें थी सबने मिलकर के साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पे पीएमओ को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है जिसमें कि हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि महिला सुरक्षा किस तरीके से क्या किया जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मेरी खुद की बेटी भी एक डॉक्टर है, अब जब भी वो ड्यूटी पे जाती है वो एक इंटर्न है अभी, तो मेरे को हमेशा धड़क लगी रहती है। ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला ही नहीं, एक महिला का मामला है। आज सुबह बदलापुर में आप लोग सब देख रहे होंगे, महाराष्ट्र में थाने के पास क्या हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब काम हो रहा है। और अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सारे जितने भी संगठन है सब साथ आए और समाज की मानसिकता बदलनी होगी। कोई भी एक एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। ये बहुत दुख का और बहुत मतलब सोच का विषय है हम सबके लिए। ये हमने जो पश्चिम बंगाल में जेपी सुधार चेरी में डॉक्टर के साथ उसी के लिए हमने लिखा है ये, और हम बड़े इस शब्द में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। ये बेटियों के लिए ये सब क्या हो रहा है, कहते हैं कि बेटियां भविष्य होती है देश का, ऐसे भविष्य की क्या करें, कैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने भेजेंगे, कैसे डॉक्टर बनाएंगे, चिंता तो उसमें लगी रहेगी हमारी। देखिए कि एक किस्से खत्म नहीं होता, दूसरा चालू हो जाता है। यहाँ भी हल्दूसराय में भी अभी एक मंदिर के पास ही 5 साल की बच्ची के साथ ले गई है, तो उठती है खबरें फिर जान तो जाती है। तो हम पीएमओ साहब से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को कठोर से कठोर सजा दी जाए जिससे कि आगे कोई इस तरह से जघन्य अपराध न करे।